अभी अरे एक मिनट, अरे ये पता नहीं क्या करने लगी, रुक जा यार भाई को मुंह में क्या लगा, पता नहीं जैना मेरे साथ क्या करने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बचा लो यार, ये क्या बदतमीजी, मैं कह रही हूँ मुझे पकड़ा दे, लेट मी चेक किसकी डायरी में क्या है। Assalamu alaikum everyone, welcome to Sistrology, this is me Ikra Kaval, welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day. Din mere liye acha hai kyunki meri tabiyat bahut zyada kharab hai, mera gala bilkul andar se aise jaise mujhse bola nahi ja raha aur main badi mushkil se bol rahi hu, jaise main ekdam bada energetic sa hello hi everyone karti thi, abhi nahi mujhse ho pa raha aur neend bhi meri us tarah se puri nahi ho pa rahi, eye bags bhi ban rahe hain aur bilkul gale mein kharash and kharash hui hai, stomach bada upset hua hai, शायद बड़ी देर खा खा के बाहर का खाना, तो ये सिचुएशन बन गई है मेरे साथ। तो दुआ करनी है आप सब लोगों ने मेरे लिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अंदर खैर अभी जाऊँगी, नाश्ते में पराठा सालन कुछ भी नहीं खा सकती। अच्छा, इस कंडीशन में भी मैंने आपके लिए व्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि मैंने छुट्टी की थी, मैंने बोला मैंने नहीं मतलब नहीं बनाया गया, फिर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, बट अब जो है वो मैं जाऊँगी अंदर, नाश्ता वाश्ता करती हैं, सारी आज का सीन दिखाते हैं कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि करने को आज भी बहुत से काम है। हाँ एक मिनट, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है प्लीज़, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें। अभी चलते हैं अंदर। तो जी मैं अंदर आई हूँ, आज मैं ऊँची आवाज़ से नहीं कहूँगी नाश्ता, आज इतनी आवाज नहीं, नाश्ता मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो आज के लिए लाइट नाश्ता इसलिए बनाया कि आज तक तबीयत नहीं ठीक, और ये लाइट से खाओ, कोई पराठा नहीं, कोई फटा पराठा। कैसा आज मुझे मिला ये बड़े मजे के टोस्ट, ठीक है अंदर जैम एंड मुझे देख के फातिमा के मुंह में भी पानी आया, वगैरह मुझे भी यही बना के दो, उसके लिए बना दो। गाइज नाश्ता करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। सो गाइज मेरा नाश्ता वाश्ता हो गया है, मतलब मैंने फुल बड़े मुश्किल से ये ब्रेड भी खाया है, मुझे मेरे ना गले से निकला ही नहीं जा रहा, मतलब मुझे इंजेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने तो नहीं मम्मा का, मैंने बस ये बताया था मेरी तबीयत नहीं सही है। क्या हुआ तबीयत को? अरे मैं इसलिए लाया हूँ, ये रिफ्रेशिंग होता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या लेके आऊँ, मुझे पसंद भी बहुत है लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा खोलना कैसे। अभी बस तोड़ते हैं मेरी बात से, आधा तोड़ा मैंने, मैं इसको तोड़ लूंगी, हम तोड़ते हैं, तबीयत खराब हो चुपका के नीचे बैठो, मैं तोड़ देता हूँ यार। नहीं मैं तोड़ लूंगी, बड़ा मजे का तोड़ी निकालती हूँ, रुको चलो करते हैं थोड़ा बैठो, अभी अभी आप तो बैठो, नाश्ता नाश्ता कर लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, अब मैं व्लॉग श्लॉग कर रही हूँ। आज के दिन भी थकी हुई हो, रेस्ट कर लो यार। अभी मैं ना व्लॉगिंग से रेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कल रेस्ट किया, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मेरा गला मैंने कहा गया, मैं ऐसा आवाज से लोग मुझे समझेंगे, लेकिन मैंने व्लॉग डाला क्योंकि मुझे इतने मैसेज आते क्रापी व्लॉग की तरह, आपको नहीं ना आता इसलिए, मुझे भी आते हैं मैं भी बना रहा हूँ व्लॉग आज, मैंने बर्थडे पे जाना है चुला के करा, आज इतनी गर्मी थी बाहर, मेरा मुंह का बुरा हाल हो गया, इतनी तेज धूप है, रात को ठंड हो जाती है और सुबह के टाइम मुंह का बुरा हाल हो गया ना, मेरे भी एक दफा सन टैन हो गया था फेस पे, पता है मेरा फेस ना डार्क होना स्टार्ट हो गया था, पिंपल हो गए थे, मेरे पास एक निंजा टेक्निक है, मैं अभी देखना आपको प्यारा करती, नहीं मैंने कुछ नहीं करना, मैं ठीक है इस तरह ही, मैं करने वाली हूँ, एक मिनट रुको जरा, पहले मैं ओके चले। हमने बहुत अंथक मेहनत के बाद अपना जो खोपरा था उसको हमने पानी की सूरत में निकाल लिया, अरीब ने बहुत मेहनत की, अरीब के व्लॉग में जाके आपको पता चलेगा, ठीक है वहाँ पे अरीब साहब ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी छुरियों से बड़े एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट है, वो जाके आपने वहाँ देखना है, इसको इसको भी ना निकलना, आपने ट्राई नहीं करना, अभी ये मेरी बारी है गाइस, मैं ये पीने लगी कोकोनट वाटर, मैंने तो भाई कोकोनट वाटर से खुद को फ्रेश कर लिया, अरीब साहब को फ्रेश कर रहा हूँ, मैंने फ्रेश नहीं होना, मुझे पता नहीं क्या क्या लगाने लगी हो, एक मिनट सबर करो, मैं आपको एक हल बता रही हूँ, आपको क्या मसला, मैं अभी आती, दो मिनट दो मिनट, एक मिनट अरीब, ऐसे ना मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया था, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था ना, अरीब साहब को भी मैं यही लगाना, इसको भी अनबॉक्स करेंगे हम, ये देखें ग्लूपाटॉन मिल गया मुझे, साथ में मुझे होम्यो की और मिल गया, सारा सामान मुझे लगाना है, हाँ नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं लगवाना, अरीब
ये देखें जो पिंपल ये पैक हुआ हुआ है, खुद यूज नहीं किया, मेरे पे यूज करने लगे। अरे बस कर देंगे, आप खोलेंगे अभी। ये पैक इसलिए हुआ हुआ क्योंकि मेरा जो पुराने थे वो खत्म हो गया। आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा था कि वो खत्म हो गए हैं, वो इतने अप्लाई किए हम लोगों ने। इकरा कोई केमिकल शेमिकल होते हैं मुंह पे नहीं लगाते। अरे मैं गारंटी देती हूँ कि आप जो बाहर से आप आए हैं और आप कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है और स्किन को इफेक्ट हो रहा है, बहुत थी, और ये पिंपल चिंपल सब खत्म हो जाएंगे। इसको खोलें पहले, ये जादू ही चढ़ी है, कोई सब कुछ खत्म हो जाएगा। जादू ही खोले, मैं आपको मिक्सचर बना के दिखा। मैंने कभी कुछ नहीं लगाया, मुझे ऐवी लगवाई जा रही हो। हस्बैंड बनना आसान नहीं है सर, इट्स नॉट एन इजी टास्क। अभी तो एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया मेरे फेस पे। जो लड़की करेगी लड़का भी वही करेगा। गाइस ये ग्लूपाटोन है, ये थाई प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, इसको हमने मिक्स करना है होमियो क्योर में। मैं जा रहा हूँ भैया, अरे वेट, अरे ये पता नहीं क्या करने लगा। आप बाहर चले, मैं बाहर आके आपको लगा रही हूँ, ठीक है? और बाहर आके पता चलेगा एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आता है। फिर आप रिजल्ट नहीं आता, यहाँ पे लाइट नहीं ना परफेक्ट आ रही। वो तो लाइट में वैसे ही जाऊंगा तो अच्छा लगूंगा। अच्छा जी नहीं, ग्लूपाटोन के बाद ज्यादा अच्छा लगेंगे। चलना पता नहीं क्या होने लगा मेरे साथ। अल्लाह इसको बचा ले, हस्बैंड तो बन गए। जाना था काम ज्यादा, मैंने भी गिफ्ट के बर्थडे पे जाना था। अरे वो आपके काम गए सारे। कितना टाइम लगेगा? मैं आपको 10 मिनट में तैयार कर, 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। मैं जाके ना आंटी से स्पेशल पूछूंगा कि फर्क है कि नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। आंटी को पहले मुंह दिखाया है ना? बस ठीक है, आंटी ने मेरा मुंह देखा हुआ है, आके मिला तो दिखाया ही हुआ। चले अब यहाँ बैठते हैं। क्या करने लगी, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है ये। इट्स नॉट एन ऑकवर्ड सिचुएशन। अरे भी सारे लड़के करते हैं, आप वो अनोखे लड़के हो तो मैं आपको भी वैसा लड़का बना दूंगी। वैसा लड़का बना देना, अनोखा नहीं रहने देना मुझे। नहीं अनोखा नहीं रहने क्यों, आपको भी क्यों, लड़कों को भी प्रॉब्लम होती, लड़कियों को भी। खोल देंगे, मुझे तो लग रहा है सालन बना रही है। ये सालन बनने लगा, इसको गिर गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा डालें इसको। अच्छा बस 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 बस, बस। उस वो वाली दो दो डिबिया उसके अंदर मिक्स करना। अरे इतना घबराए नहीं, परेशान। हाँ ये पूरा डालना, पूरा कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी स्किन पे जो डस्ट वगैरह हुई हुई है, ये जो एक्नी हुई हुई है, ये सही हो जाएगी बिल्कुल। ऐसे हाँ, आपका जो नेचुरल कलर है ना, जो आपका इनहेरिटेड कलर होता है, ये उसको ग्लो करती है, ये ग्लो के लिए। अरे भी क्या गंद मारी जा रहे हो, ये मुझे आटा लग रहा है, ये आटा बन गया कसम से गाइस, देखिए आटा लग रहा है। नहीं लग रहा यार, क्या हो गया? ये आटा लग रहा है। ये क्रीम तो उठा के साइड पे रखे। अच्छा मेरे हाथों का हाल देखो, मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे हाथों का बुरा हाल है, मुंह इतना अच्छा हो जाएगा आपका, परफेक्ट फाइन फिट। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ फेस के लिए नहीं है, यू वांट इट, इफ यू वांट तो आप इसको हाथों पे, पैरों पे, आप ओवरऑल बॉडी पे इसको अप्लाई कर सकते हो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर रिजल्ट ना आया, अगर कुछ और हो गया मुंह पे तो? अरे मैं ना आपको नया मुंह ला दूंगी। मैं तो सिर्फ बन गया, ये बन गया, अब इसको जो करना कर लो जल्दी से। अरीब का आटा तैयार है गाइस, अब आटा लगने लगा है, और आटे के लिए कैमरे की। अरीब भाई को मुंह में क्या लगा, पता नहीं ज़ैना मेरे साथ क्या करने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बचा लो प्लीज। वैसे आप ने भी लगाई थी एक बार, लगा के तो बहुत अच्छी आप ने। ज़ैना मैं सिर्फ आपकी वजह से लगा रहा हूं। अच्छा बस कर दे, मेरी स्किन देखे, मेरी स्किन देखे। अचानक से बेल हुई है और पापा पापा बली के बकरे से मिलते हुए। बली का बकरा बनने लगा, पता नहीं मुंह पे क्या लगने लगा। पाप ये देखें, ये वैसे ये ब्रश की जरूरत नहीं थी, मैंने पकड़ ली, मैं अपने हाथों से ही लगा सकती हूँ। ग्लोई स्किन होने लगी है ना, मैंने आपके लगा, सच में आपको फर्क नजर आएगा, मैंने एक दफा हाथ पे यूज किया था। बेसिकली ना ये आप लोगों ने रोज रात को आप लगा के सो सकते हो, सोने से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप बिफोर इनकी दाढ़ी पे भी लगा दो, मेरी दाढ़ी वाइट हो जाएगी। कितनी देर लगा के रखना इसको? लगा के नहीं रखना, की जो जैसे नॉर्मल ब्यूटी क्रीम होती है उस तरह यूज होती है। मैंने तो लगा के मुंह धो लिया था। नहीं 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 वो नहीं है, लेकिन तब भी मुझे फर्क नजर, जैसे आप सनब्लॉक यूज करते हो, कोई भी ब्यूटी क्रीम यूज करते हो, तो आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे फर्क नजर आया। चलो देखो बस। चले अरीब साहब के फेस, मैं आंटी के पास जाऊंगा, मैं आंटी से जाके पूछूंगा, अरीब मुझे दोनों पे यकीन नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, हाँ मामा ने भी यही कहना, मेरी बेटियां इतनी प्यारी हैं, प्यारी लगती हैं, ग्लो करती हैं, आप भी ग्लो कर रहे हैं। 5-10 मिनट हो गए ना, अब आ चल जाएगा। हाँ हाँ पड़ा है मुंह पे, कोई आपको खुद फ्रेशनेस फील हो रही है? मुझे हो रही है। हो रही है ना, बस कहा था ना मैंने अब आपको, चलो बस ठीक है मैं निकल रहा हूँ। आपने मेरे साथ फुल एक्सपेरिमेंट करके मेरी क्या था वो डस्ट खत्म कर दी है। यस चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, तबीयत वगैरह सेट करो, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा गाइस, अगर आप लोगों को भी ये वाली क्रीम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, वहां पे जाएं ऑर्डर करें। ये दराज पे भी मिल जाती है, उसकी उनकी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, तो वहां से भी जाके आप होमियो क्योर एंड ग्लूटाटोन जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, अरीब साहब तो जा चुके हैं, मेरा जो है ना वो मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और मैं यहाँ आई हूँ ना, तो ये देखे किसी ने मेरा ना खोपा खोल दिया। मम्मा किसी ने मेरा नारियल तो खा भी, मैं बख्शूंगी नहीं, मैं तुम्हारे इस अखरोट को तोड़ डालूंगी। मैंने खुद तोड़ना था, मुझे खाना था और मैंने वहां से उतार लिया। नहीं नहीं दुल्हन नहीं, नारियल तोड़ती वो, इसने कहा था। ये देखें, ऐसे लग जाएगा, बैठ चलते हैं। हीरा आना साथ मेरे, थोड़ी मदद करवाना, आ जाओ। हाँ मम्मा ने सही आइडिया दिया। ओहो ये देख, अच्छा ये नारियल ना, ये साइड पे करते थे नहीं तो मम्मा किसी के पाँव में लगेगा। तो गाइस मैं फिर नारियल खा कर सो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उठ रही हूँ। मेरी बहनों की सिचुएशन देखिए तो वो इस नॉट सुनने में मसरूफ है। यहाँ पे ये वाले नारियल खाती हाँ। बाद में इतना कचरा डाला हुआ है। ये कौन है अबे? ये कौन है? बिल्ली। ये बिल्ली है? हाँ। ये मेरे पास आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। मतलब वो कितने गुस्से से देख रही है मुझे। खिलाना इसको जरा। मानो ने बिल्ली को दावत दी। नो मॉम, हेल्दी खाना खाती हूँ, ये नहीं खाऊंगी। मम्मा ने मुंह पे सारा लगाया है जो खा रही है। नहीं ये दवाई लगाई है दानों पे। हाय अल्लाह ज़ैनब, टिशू दो। बिल्ली को कौन जुबान से चाटेगी? दूध पीती है वो। ये लो, उसको दूध पिया। तूने भी मुंह अपना गंदा किया है, उसको लेना। बिल्ली को इधर रखना, इधर आ जा। की नेल्स तो नहीं मारती बिल्ली? मेरे साथ इतने प्यारे तरीके से चिपक के सारी वो रोक के बैठी है। तो पता है तुम मानो हो वो बिल्ली है, एक ही बरादरी की हो तुम लोग। क्यों हाय अल्लाह, इसको कोई हाथ लगाए तो साफ करती। कर साफ, अब हमसे भी साफ है अल्लाह। मानो अपनी डस्टिंग करी हुई तू उसके साथ बैठी हुई है। A few moments later. मम्मा ने आज ना दिन में नहीं तो रात में मेरे लिए क्या बनाया मम्मा? आलू वाले, आज आलू वाले पराठे। दिन में मुझे इतना परहेजी खाना खिला के, मतलब के स्लाइस खा लो, जाम खा लो, लेकिन रात को कह रही है बदपरहेजी करो। कोई बात नहीं, मैं तो अपना है गला भी तो अच्छा ही है ना, जो बर्गर मंगवाती है। मम्मा मैंने कोई बर्गर नहीं मंगवाया ना, मैं खाती हूँ। अब मम्मा कहेंगे पराठे खाओ। अब किसी ने ना रेसिपी बताना, मुझे तो ये आलू की जो बनी होती है ना, और मेरे से लगा हमारा नाश्ते का टाइम है, लेकिन रात के वक्त मेरी मम्मा ने एक पराठे को कन्वर्ट किया दो तीन चार, मम्मी के हैं पांच बच्चे। इतना भी हैवी नहीं देती, हाफ हाफ देती हूँ। ठीक है गाइस, हाफ हाफ पराठे बस। कब से इस लड़की को पापा बुला रहे हैं और ये हेडफोन। हाँ जी उठो चलो, आजकल के बच्चे ये लगा लेते हैं टूटे। अच्छा मैं क्यों कहूँ, पढ़ रही थी। पापा उधर बैठे हैं, कब से अभी ना मैं गई हूँ सबको ये कहने के लिए कि मामा ने पराठे बना लिए, जाके नाश्ता वाश्ता करो, डिनर शिनर कर लो। पापा इतनी आवाजें दे रहे, इतने गुस्से से बोल रहा हूँ। ज़ैनब 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 मोहतरमा हेडफोन लगा के बैठी हुई है, अब कह रही है बोला मैं पढ़ी थी। पापा जी पढ़ी थी, ये देखें बुक रखी हुई यहाँ पे। मैं ले आई हूँ भैया अपना पराठा, मैं लगी हूँ खाने। तो गाइस मैंने खाना शाना खा लिया था, अब मैं जरा। यार राबिया तुम ये क्या करती रहती हो, ये तुम क्या लिखती रहती हो डायरी में, शक्ल देखो तुम अपनी। राबिया क्या है? गाइस पिछले ना कोई मेरा ख्याल से दो हफ्तों से मैं इस बंदी को देख रही हूँ, जब से नहीं दो हफ्तों से नहीं, जब से मैं निकाह से वापस आई ना, इसके पास ना ये एक डायरी है और ये पता नहीं इस पे क्या करती मैंने रहती। नहीं हमारी इस डायरी में क्या राज मुदफन है? कोई राज है नहीं, किसी की पर्सनल चीजें कभी भी नहीं देखती। अबे इट्स नॉट योर पर्सनल, इट्स योर पब्लिक लाइफ। उठो, क्या पब्लिक लाइफ दिखा, ये पेंसिल पकड़ के क्या लिखती रहती हो, कौन से राज है इससे? आज तो मैं इससे गाइस डायरी लेके रहूंगी। ज़ैनब ज़ैनब दे दे मुझे, ज़ैनब मुझे दे दे, ज़ैनब मुझे दे दे। मारना ना राबिया, उसको मारना ना राबिया। मानो दे दे मुझे, मानो मानो यार, ये क्या बदतमीजी, मैं कह रही हूँ मुझे पकड़ा दे, पकड़ा दे मुझे। मानो तो मुझे तो पकड़ा दे यार, मानो तू तो मुझे पकड़ा दे, तू बैस शुरू कर दिए। दे तू, अच्छा है उसकी पूरी तो सगी। मेरे क्या तुमने ऐसा रखा है? ज़ैनब 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 अब मुझे पकड़ा देना यार, मुझे दो ज़ैनब, मुझे दो इधर आओ ज़ैनब, मेरे हाथ में कैमरा, उसका नाजायज फायदा ना उठाओ, मुझे दे दो। व्हाट्स इन हर डायरी? ब्रो आपको मिलेगी नहीं मेरी, लेके तो आ जाओ।
चल ज़ैनब तू तब तक मुझे देना, मैं चेक करूँ इसमें क्या पता लगे तेरे ज्यादा पोल खुल गए। दे दे बुढ़े दे दे, ये देखो जरा क्या निकालने लगी, कहाँ छुपाई है अपनी डायरी, दिखाओ जल्दी इसके अंदर है। ये कितना कचरा डाला भाई, क्या है आपस में एक दूसरे को। मुझे याद है डोरिटोस ने पापा को, मेरे हाथ लग चुकी है ज़ैनब की नादानी में। लेट मी चेक इसकी डायरी में क्या है। दिखाओ क्या बनाया, दिखाओ यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, दिखाओ राबिया शर्मा ऐसे रही है। मैंने देख लिया, अब मैंने देख लिया, मैं इसकी पूरी डायरी पढ़ूंगी। जब फाइनली राबिया के कॉन्सेंट से हम उसकी एक डायरी दिखाने लगे, ठीक है। नहीं मेरे कॉन्सेंट से नहीं है, जबरदस्ती है। ये देखो सबसे पहले तो मेरी और अदीप की कितनी प्यारी बनाई हुई है राबिया, तूने खुद बनाई है। राबिया आर्टिस्ट, राबिया आर्टिस्ट ने ये बनाया हुआ, राबिया आर्टिस्ट ने ये बनाया हुआ, राबिया आर्टिस्ट ने ये कौन है, राबिया डर गई ठीक है। ये कौन है अबे, ये कौन है, बकरी गई राबिया, फुटबॉलर बनाया है पागल। तो ये कोई फुटबॉलर नहीं है, ना तो ये क्रिस्टियानो मेसी है, रोनाल्डो बनाया इसने अपनी तरह से, वैसे लग रहा है रोनाल्डो का बेटा लग रहा है। ये खुद की शक्ल नहीं है राबिया। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, इसके कमरे में एक पांडा पड़ा हुआ है, इसकी शक्ल नहीं है इसने राबिया, वैसे वही लग रहा है। और ये कौन है, ये ज़ैनब बनाई है। ओह माय गुडनेस, काश ये मैं होती, कितनी प्यारी लड़की है ना। और क्या बनाया तुमने, हाय अल्लाह पिंक पैंथर, सारे कार्टूनिक फिगर्स बनाए हैं बस। और क्या, खाली बाय द वे राबिया मेरा स्केच मुझे दे देना, मैं इसको फ्रेम करवा लूंगी। मेरी एक चीज छुपी हुई थी वो भी तुम लोगों ने दिखा दी है, तो गलत बात है। गाइस शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज राबिया फैसल एंड शी इज वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। मेरी सेहत अब थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि आज मैं ऑन एंड ऑफ रेस्ट करती रही हूँ और चीज़ें करती रही हूँ, तो मैं आई एम फीलिंग बेटर, मेडिसिन वगैरह मैंने ली है। तो इंशाल्लाह कल तक मैं बिल्कुल प्रो मैक्स लागर की तरह अगेन एंट्री करूँगी। आज के ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव।